चल ये थोड़ी चेकअप करवा ले। डॉक्टर ने बोला था गाइस इसको कि जब भी आपको लगे आपको पेन हो रहा है बिल्कुल भी घर पे वेट मत करना। पायल देख हम रिस्क नहीं ले सकते इतने बड़े टाइम पे। चल 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 मैं हूँ ना, खड़ी हूँ ना, पहले वॉशरूम होके आऊंगी तो चल मैं कराती हूँ वॉशरूम। चल तो गाइस पायल को ना बहुत तेज पेन हो रहा है, पेन ना मैंने 10-15 मिनट बाद ना पेन बढ़ता जा रहा है, तो मैंने फटाफट ना पैकिंग कर ली। बस मैंने अपने जैद के कपड़े रख लिए क्योंकि जैद को मैं घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती, उसको मैंने फीड करा दी है तो मुझे टेंशन नहीं है, तो उसको भी लेके मैं साथ में जा रही हूँ हॉस्पिटल। चल बेटी चलो फाइल वाइल उठा लेना यार, क्या रह गया समझ में नहीं आती है तुम्हें, उसको पेन हो रहा है, तुम्हारे फैशन नहीं होते खत्म। चल रुक जा आराम से, चल इधर आ जा मेरे पास, जल्दी चलो बस आगे नीचे खड़े सारा सब ठीक हो जाएगा। मम्मा बोल, मम्मा रूमर, मम्मा रूमर, मम्मा पंखा बंद करो, बोलो मम्मा। बस कोई बात नहीं, मैं परेशान हो रही थी ना टाइम में, फिर इसको देखने का सब कुछ मेरा फोन ले उठा के, मेरा फोन वहीं छोड़ा है, कोई नहीं वो सही हो जाए पायल की डिलीवरी टच फिट सब कुछ सही हो जाए। इस टाइम का इतना इंतजार था ना, इतना इंतजार था, फटाफट हम बस भागे भागे आए हैं। मैम एक बार चेक कर रही है, देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब ने देख लिया है, रिपोर्ट सब कुछ अच्छी है, बस वो ये पेन है, पेन से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप बताइए मैडम, पायल का अब 9th मंथ चल रहा है और इसको पेन हो रहा है। पहले भी पायल पेन के साथ आई थी बट पेन्स बंद हो गए थे तो वी सेंड हर होम, पर आज पायल की हालत थोड़ी सी ढीली लग रही है, पेन ज्यादा आ रहे हैं। इसको हम एडमिट करते हैं, वॉच करते हैं कैसे रहता है। दोनों बच्चों की हार्ट बीट ठीक आ रही है एंड लेट अस वेट एंड वॉच एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट। ठीक है मैम, मैं ऊपर लेके जाऊं फिर इनको। ये देख आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, टेंशन मत ले, पानी पी ले जितना भी पीना है, जितना पीना पी ले, 12 बजे बाद कुछ नहीं पिएगी। पानी तो दे दो। हाँ भाई, हाँ पानी बहुत दे दो बच्चे को। तो गाइस अभी बहुत तेज पायल की आवाज आई चीखने की, मैं फटाफट भाग के गई। पायल को ना इंजेक्शन लगा है स्किन के अंदर, तो वो शायद इंजेक्शन इसलिए लगता है की कुछ टाइम बाद पता चलता है की अगर एलर्जी है तो इंजेक्शन नहीं लगाते तो बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि स्किन में जाता है। तो पायल को बहुत ज्यादा भूख लगी है और पायल के लिए मजेदार सा घर से खाना आ गया है, बस अभी पायल उठेगी। 20 मिनट और लगेंगे उसको। 20 मिनट एनेस्थेसिया हो गई, एक और लगेगी 20-25 मिनट। तो आप गैस कर सकते हैं तो बच्चे क्या आने वाले हैं घर में, लक्ष्मी आएगी। क्या लगता है रात को ही हो जाएगा? पता नहीं मुझे, बुलाऊं डॉक्टर को? बुलाऊं है? अभी तो देख के लिए डॉक्टर, बुलाऊं डॉक्टर को? बुलाऊं रिपोर्ट में तो मुझे लग रहा है अभी टाइम लगा, कितनी देर होगी? 21 मिनट शायद लग रहा है, रात को डिलीवरी हो जाएगी क्योंकि ना अभी पेन में हो रहा है पायल को। जतिन भाई का है, मेकअप भी करके आइए, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत। तो इतनी हिम्मत वाली लड़की थी तो मुझे हिम्मत दे रही थी कि घबरा मत, ये वो रो क्यों रही है? अब ठीक है, अब दर्द होगा। चीकू ने नहीं देख पा रहे ना, अब देखना ठीक है। देखते हैं वो तेरी सारी वीडियो, ठीक है, उनकी मजबूरी है वो नहीं आ सकते, ठीक है, प्यार बहुत करते इधर से सब, देखते तेरी हर एक चीज देखते हैं, तो क्यों रो रही है? और रिश्ता चुप हो, चुप करा इनको, चुप हो, दो जुड़वा मजा आ जाएगा जब एक घर में से गायब हो गई। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है आप लोग सब मुझे रोज देखते हो तभी आप मुझे कॉल नहीं करते हो, आप लोगों को पता है मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में और इसी चीज की तसल्ली आपको, तो बस कल आप लोग फिर से नाना नानी बनने वाले। कर लेना, सबके पास नंबर है, कॉल कर लेना, लड़की को बहुत अच्छा लगेगा इसको। राहुल के पास नंबर है, मनीष के पास है और मरिया के पास है, सबके पास है, तो हमें अच्छा लगेगा, कॉल कर लेना। नाराजगी जिंदगी भर रखना पर कल के दिन मत रखना। तो चीजें सारी सेम हो रही है, मरीज चेंज हो गया, मरीज चेंज मरीज थोड़ी करते हैं इसको, बेड वही है, मरीज चेंज, पेशेंट तो बोलते हैं, पेशेंट को हिंदी में मरीज बोलते हैं। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और बने रहें, सरप्राइज मिलेगा आपको अगली वीडियोस में, धमाका होने वाला है, खुशखबरी आने वाली है, दुआएं कीजिए, बहुत सारी वीडियो को शेयर करना। हाय गाइस, जैसा कि आपने देखा कि पायल मलिक जो है, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, तो उसमें जो पायल मलिक है उनकी डिलीवरी हो चुकी है। जी हाँ, उनको ट्विंस है और दोनों बेबी हेल्दी है। अब जेंडर रिवील मैं थोड़ी देर बाद करूंगी आपको, पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उनको क्या हुआ है, बॉय गर्ल, दोनों बॉय या दोनों गर्ल। प्लीज गाइस, इस बात का पूरी इंडिया को, सारी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था कि जो अरमान मलिक है, उनकी जो पहली वाइफ है पायल मलिक, उनको ट्विंस होने थे, तो वो क्या हुआ। बस इतना मैं आपसे कह सकती हूँ कि बेबी हेल्दी है और माँ भी ठीक है और दोनों बच्चे भी ठीक है और दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उनको क्या हुआ, डिलीवरी हो चुकी है, अभी बज रहा है सुबह का 10:30 बज रहा है और उनकी डिलीवरी हो चुकी है, सुबह 8 बजे उनकी डिलीवरी हो चुकी थी। तो प्लीज उनको विशेस दीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया है और दुआएं कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा है, हेल्दी है, वेल्दी है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हुआ क्या है आखिर उनको। बाय बाय गाइस।